आयुर्वेद ब्यूटी विद नीहा में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए आंखों से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रीटमेंट लेकर आए हैं जो शायद आपकी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल के लिए, हो सकता है आपके लिए भी जरूरी हो, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा आजकल मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में बिजी होती जा रही है, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी आंखों पर नजर आने लगा है। जी हाँ, आप देखेंगे कि 90% लोगों की आंखों पर चश्मा या फिर लेंसेज की प्रॉब्लम है, और लेंसेज जो भी यूज करते हैं उनको पता ही है कि ये कितने अनकंफर्टेबल होते हैं। इवन एक बहुत बड़ा एरिया आपको हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसा मिल जाएगा जो शायद शादी के टाइम पर जब लड़के एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है या फिर कुछ तरह की आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए या क्या कराएं, लेकिन उन्हें शायद ऐसी नॉलेज नहीं होती। तो चलिए आज हम इसी तरह के एक ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रीटमेंट का नाम है लेसिक। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं क्या होता है लेसिक, कहाँ कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, और कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स जहाँ आपको आप इजीली करा सकते हैं, और इसका क्या खर्च आएगा। तो ये दो तरह का होता है, ब्लेड फ्री, एंड इसमें एक होता है जो विद ब्लेड के साथ होता है, यानी उसमें एक बहुत ही एमएम से भी साइज से कम का एक छोटा सा कट लगाया जाता है, जिसकी मदद से लेजर से आपकी आंखों का फोकस ठीक कर दिया जाता है। तो लेसिक क्या है? लेसिक में लेजर की मदद से आपकी आंखों को फिर से नॉर्मल कर दिया जाता है, यानी उसका फोकस ठीक कर दिया जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन नहीं होता है मदद से। तो इसका क्या खर्च आता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि एक छोटे से कट, यानी एमएम से भी साइज से छोटा कट, जिसे आप कट नहीं बोलेंगे, शायद एक पॉइंट बोल सकते हैं, उसका खर्च बैठेगा मोस्टली 35,000 से लेकर 40,000 के अंदर। और जो ब्लेड फ्री नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसका खर्च बैठता है 80,000 से लेकर 90,000 के अंदर। तो चलिए इसी ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए आज हम चलेंगे पद्म श्री से सम्मानित डॉक्टर बिपिन बख्शी जी के पास, जो विजुअल एड सेंटर दिल्ली से। तो चलिए इसी से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगते हैं हर किसी के माइंड में हो सकते हैं, तो चलिए। तो हम पहुंच चुके हैं विजुअल एड सेंटर पर डॉक्टर से मिलने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं, देख लेते हैं कैसा है ये। ये दिल्ली के लाजपत नगर में है। ट्रीटमेंट का नाम है लेसिक। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर से कि उनका क्या राय है इस बारे में। तो सर, इस ट्रीटमेंट को किस एज पर करा सकते हैं? इसकी कोई सही ऐसी कोई एज है कि आप इसे छोटे पर भी करा सकते हैं या बड़े पर? पहले मैं आपको बताऊं कि लेसिक क्या होता है। जो लोग चश्मा लगाते हैं या कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, एक ये प्रोसीजर है जिसमें हम कॉर्निया की शेप चेंज करके आंख की फोकल लेंथ एडजस्ट करके चश्मे और कॉन्टेक्ट लेंस से छुटकारा दिला सकते हैं। ये प्रोसीजर हर एक किसी के लिए नहीं है। पेशेंट की एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। उसके 18 की एज पे भी 1 साल तक अगर नंबर स्टेबल है फिर उनका एक स्कैन किया जाता है। स्कैन के बेसिस पे ये सूटेबिलिटी देखी जाती है कि वो कैंडिडेट लेजर के लिए, लेसिक के लिए सूटेबल है या नहीं है। जिन जो लोग सूटेबल है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है। टोटल फ्रीडम, टोटल छुटकारा उनको कॉन्टेक्ट लेंस और चश्मे से मिल जाता है। इन फ्यूचर नंबर वापस किस एज पर आ जाता है? जो नॉर्मली तो नहीं आता है नंबर, नॉर्मली जो एज रिलेटेड नंबर है वो 45 के आसपास नजदीक लगाना पड़ता है। वो लेसिक कराएं चाहे नहीं कराएं सबको आता है। यदि डॉक्टर मान लीजिए किसी ने कराया है और 10 साल बाद उसका नंबर वापस आ जाता है, तो क्या वो दोबारा भी इस प्रोसेस को रिपीट करा सकता है? हम लोग एक प्रोसीजर होता है जिसको हम टचअप कहते हैं या एनहांसमेंट कहते हैं, वो भी स्कैन पे डिपेंड करता है। अगर स्कैन उस स्टेज पे भी सूटेबल है तो हम कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई लंबे टाइम तक आपको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं? एक हफ्ते तक प्रिकॉशंस लेने होते हैं। आंख मलनी नहीं होती, पानी का छींटा नहीं मारेंगे, स्विमिंग नहीं करेंगे, लेडीज को आई मेकअप वगैरह नहीं लगाना होता। और इसका जो टाइम पीरियड है इस पूरे प्रोसेस का वो ज्यादा लंबा नहीं है। जिस दिन जो प्रोसीजर करते हैं उस दिन हमें हाफ डे चाहिए होता है पेशेंट का। क्लिनिक में करीब करीब 2 घंटे लगते हैं क्योंकि प्रोसीजर के बाद 1 घंटा बिठाते हैं। उसके बाद तो पेशेंट हैज़ टू बी टोटली फ्री टू गो होम एंड स्लीप। सो के उठने पे 80% विजन सेम डे आ जाता है, नेक्स्ट डे 100% विजन। और टीवी फोन इन फ्यूचर आप
कैसे भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जैसे आप जी रहे हैं। बिल्कुल, जो काम आप चश्मे और कॉन्टेक्ट से कर रहे थे वो सब काम आप बिना चश्मे और कॉन्टेक्ट से करें। और इसमें आपको कॉन्टेक्ट लेंसेज भी नहीं पड़ रहे किसी भी तरह के, और ये कोई बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन नहीं है। ये ऑपरेशन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया हम आंख के अंदर नहीं जा रहे हैं, आंख की पुतली जो आंख का कॉर्निया है उसकी शेप मशीन द्वारा एक लाइट से चेंज की जाती है, जिस लाइट को लेजर लाइट कहते हैं। और इसके कोई साइड इफेक्ट इन फ्यूचर जाकर? अगर आप सही कैंडिडेट को पिक एंड चूज करेंगे तो दिस इज अ वेरी गुड साइंटिफिक प्रोसीजर। मतलब डॉक्टर का कहना है कि आपको ये एक अच्छे हॉस्पिटल में ही कराना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी ये जो गेम है सारा टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जी, जो FDA अप्रूव्ड हो, फिर आप अगर सूटेबल है कोई शॉर्टकट ना लिया जाए, साइंटिफिकली काम किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि मान लीजिए डॉक्टर फ्यूचर में जाके आंखों में कोई और प्रॉब्लम आती है जैसे कि मोतियाबिंद आजकल बहुत ज्यादा नॉर्मल है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है और आपने ये ट्रीटमेंट करा रखा है तो कोई प्रॉब्लम होगी इसको लेकर? मोतियाबिंद आना है वो आएगा, इट्स अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। और उसके लिए भी आपको ऑपरेशन कराना है इन फ्यूचर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा प्रोसेस, और जो भी इसकी छोटी मोटी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी, तो आप ध्यान से इसकी छोटी छोटी डिटेल्स को देखना, बिल्कुल ना भूलना।